दोस्तों बहुत ही तेज पानी हो रहा है, देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज। हालांकि बहुत दिनों बाद हो रहा है, तो अंदर निकल जा रहा है। चलो पूरा खा के ना बर्बाद कर दे रहा है, ऐसे में कैसे खेती होगा। किधर से गया, किधर गया यार, एक बैल था किधर गया। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ऑफिस जाके पता चलेगा कि आज की कहानी मेरी क्या होती है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहेगा, और जो भी मेरे चैनल पे नया है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ऑल कर दीजिएगा। तो अभी चलता हूँ सीधा ऑफिस, ऑफिस जाके आज पता चलेगा कि आज की कहानी मेरी क्या होती है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, चलिए चलते हैं। दोस्तों फिलहाल ऑफिस आ गया हूँ और देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है। कुछ लड़के आज आ चुके हैं, चलता हूँ सीधा अंदर और देखता हूँ वहाँ पर कौन सा काम चल रहा है। दोस्तों फिलहाल मैं अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ और आज मेरे पास थोड़ा कम पार्सल है, ठीक है, इतना सारा ही है। जल्दी से जाऊँगा और जल्दी से बांट के आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, और भाई लोग को देख ही सकते हैं, भाई लोग सबको ये तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं निकलता हूँ अपना काम पर, ठीक है। ₹340 के हैं, ऑनलाइन पे करेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ का एक पार्सल लेके आया हूँ, ठीक है। जल्दी में हूँ आज मैं। भैया पार्सल, ये आपका बिनु गोपाल। हाँ पेमेंट हो गया है। तो दोस्तों क्या हुआ था ना, ऑफिस में कुछ पार्सल छूट गया था, तो मेरा जो दोस्त है मतलब कि साथ में जो काम करता है वो लेकर आया है, रेलवे स्टेशन के पास खड़ा है, ठीक है, ले आया है। मेरे को अभी ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ओके। भाई को भी जाना है पार्सल बांटने के लिए, अब वहाँ से दो पार्सल रिसीव करूँगा उसके बाद फिर आगे जाऊँगा, ठीक है। बने रहिए। तो भाई फाइनली मैं आ गया, भाई को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ गया मेरे चलते। थैंक यू भाई, बहुत लेट कराता है यार। अरे मैं थोड़ा उधर चला गया था ना, मेरा थोड़ा लेट हो गया। चल भाई चल, ठीक है, धन्यवाद। भाई भी जा रहे हैं पार्सल बांट के, ये जो दो पार्सल था ना ये छूट गया था, का पार्सल बांट के आ गया हूँ। अभी ऑफिस में 3-4 पार्सल बचा हुआ था उसको जा रहा हूँ बांटने के लिए, ठीक है। ये रहा प्लास्टिक में, इसी के जाऊँगा बांटने के लिए, क्योंकि शोरूम का जो पार्सल है ना वो सुबह सुबह खुलता नहीं है, 10-10:30 बजे के बाद ही खुलता है। तो अब जा रहा हूँ सीधा वहीं पर और मुँह हाथ धो लेता हूँ, पसीना पसीना ना गर्मी लग रहा है, हल्का सा रिमझिम रही है, पानी भी गिरा इसलिए ना थोड़ा उमस मार रहा है। और दोस्तों आज जल्दी पार्सल बांट के ना मैं कहीं पर जाने वाला हूँ, ठीक है, वो बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग बने रहेगा मेरे ब्लॉग पे। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे आ गया था, शोरूम का एक पार्सल था, हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। भैया शायद अंदर होंगे, भैया हिमांशु भैया का पार्सल था। हाँ हो गया, राजू देवांगन, ठीक चुप। क्या हो रहा है, भागो 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 भागो, ध्यान कर भागता है। चलता हूँ भैया अगला स्टॉप पे। दोस्तों फिर से आ गया हूँ ऑफिस, पूरा काम मेरा खत्म हो गया है, ठीक है। और तो मुँह हाथ धो लेता हूँ, धूप ना बहुत ही ज़्यादा धूप निकला है आज, पता नहीं। इतना धूप निकला है ना लग रहा है कि गर्मी का दिन है, पानी गिर सकता है। एक पार्सल बचा हुआ है, ठीक है, पार्सल के बाद में। दोस्तों फिलहाल मैं पैसा वगैरह जमा कर चुका हूँ, जा रहा हूँ सीधा घर, घर जाकर खाना खाऊंगा और नहाऊंगा, क्योंकि आज ना पैसा जमा करने में भारी लेट हो गया है। सीधा चलते हैं घर, ठीक है, घर जाके मिलते हैं। चाबी कहाँ रखी है, दोस्तों फिलहाल मैं घर आ गया था और जल्दी से मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है आज,
और इतना ज़्यादा धूप निकला है, ठीक है, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इसी पानी से नहाऊंगा मैं। तो फिलहाल मैं खाना खाने बैठ गया हूँ। आज सब्जी तो है नहीं, बस ये है बादाम का चटनी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो बादाम का चटनी से ये खाना पूरा ख़त्म करूँगा। और ये रहा मेरा कोको कोला वाला पानी, खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा कम कर देता हूँ। और हमेशा की तरह बिल्ली फिर से आ गई है, हर थपी करी। दोस्तों बहुत ही तेज पानी हो रहा है, देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज, हालांकि बहुत दिनों बाद हो रहा है पानी। दोस्तों बहुत तेज बारिश होने के बाद अभी थोड़ा सा बारिश रुका है, तो देख ही सकते हैं तालाब काफ़ी ज़्यादा भर चुका है और हमारे मकाई खेत में ना बैल आ गया है। अरे यार पूरा बर्बाद कर देगा, एक तो इधर से हुआ नहीं है। चलो किसकी गैया है यार, छोड़ देते हैं ना, देखो पूरा खा गए हैं, पूरा खा दिए, भागो, बांध के भी नहीं रखते हैं, भारी दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, पूरा इधर से खा दिया है, देख सकते हैं उधर पूरा खा दिया है। छोटा छोटा मकाई हो रहा है उसमें भी, अभी किसी का भी है ना कम से कम बांध के रखना चाहिए, यही दिक्कत होता है गांव में, छोड़ देते हैं पूरा जा रही है। अब खुला हुआ है ना, मेरे को देखना पड़ेगा, नहीं तो एकदम फिर से आ जाएगा खेत में। वो देखो रुक गई है, वो देखो रुक गई है, सोच रहे फिर से आना है खाने के लिए। दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नया है अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसे खेती कैसे किया जाएगा, अगर खेत में अगर इसी तरह से अगर बैल आते रहेगा तो फिर तो बर्बाद कर देगा यार मेरा मकाई। देख सकते हैं एक तो खेत का आया हूँ और यहाँ पे खेत में देख सकते हैं दो बैल लगा हुआ है। चलो भागो, भाग 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 भाग, अंदर जा रहा है, अंदर जाएगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा, भाग 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 भाग। अरे यार ये तो अंदर निकल जा रहा है, चलो पूरा खा के ना बर्बाद कर दे रहे हैं, ऐसे में कैसे खेती होगा। किधर से गया, किधर किधर गया यार, एक बैल था किधर गया, बाहर निकला है, देख ही सकते हैं दोस्तों बर्बाद कर दे रहा पूरा खा कर पूरा। चलो अरे जिसका भी बैल है ना कम से कम बांध के रखना चाहिए, पूरा फसल को बर्बाद कर देते हैं। खेत के आता हूँ, ये ना कल से छुटा हुआ है पता है, और हमेशा खाता है, यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है इधर के, इसलिए पूरा देखे सकते हैं पूरा बर्बाद करती है खा खा के। अभी अगर दोस्तों मैं नहीं आता ना इधर घूमने के लिए तो पूरा बर्बाद कर ही देता, ऐसा हालांकि बहुत बर्बाद कर चुका है। खेत के आता हूँ, ये तो बार बार आता होगा, हरियाली देखता है ना पूरा खाने के लिए आता है, किसका है पता नहीं यार, कम से कम बांध के रखना चाहिए। कल से छुटा हुआ है, बहुत आराम से एकदम पूरा फसल को बर्बाद कर रहे थे खा खा के, और इतना इतना घास है, और जिसका भी कम से कम जिम्मेदारी होना चाहिए कि बांध के रखूं। अभी खेती बाड़ी का समय है, खोल के रख देते हैं, छोड़ के वो भी एक भी देख सकते हैं एक भी बैल में ना रस्से ना कुछ है। दोस्तों एक जिम्मेदारी होना चाहिए, कम से कम पाले हैं जानवर, कम से कम उसको रस्सी से बांध के रखना चाहिए। इतना दूर तक आ गया हूँ खेतते हुए, अब किसका है पता नहीं, देखता हूँ कहाँ जाता है, जिसके घर का रहता है ना उसी के घर में जा रहे सीधे। आकर है वो बैल, अरे पूरा मकाई खेत में पूरा बर्बाद कर दे खा के एकदम पूरा, हाँ छोड़ दे, रस्सी भी नहीं है कर। मैं अभी वो कहते खेत के आता हूँ, पूरा खेत बर्बाद कर दिया था ना मोर। हाँ छोड़ के चलेगी इसे। दोस्तों लगभग एक किलोमीटर से अधिक आ चुका हूँ मैं, और आगे खेत के आता हूँ, क्योंकि जब भी आएगा ना पूरा खेत बर्बाद कर देगा, हालांकि बहुत सारा नुकसान कर चुका है। जिम्मेदारी नाम का भी कुछ होता है यार, कम से कम जानवर पाले हैं, कम से कम रस्सी उससे बांध के रखना चाहिए। कल रात को तीनों बैल आ गया था घर में आंगन में, तो मैं सोचा किसी का छूट गया होगा सुबह निकल जाएगा, लेकिन अभी देख रहा हूँ अगर बाहर नहीं आता तो मेरा तो खेत पूरा बर्बाद कर ही देता पूरा। कम से कम पाल नहीं सकते तो बेच देना चाहिए, और किनका है अगर पता चल जाता है तब अच्छे से सुनाता हूँ उसको। मेहनत लगता है यार, पैसा लगता है खेती बाड़ी करने में, पूरा मकाई पूरा बर्बाद कर दिए खा के।
और दो तीन दिन से शायद खा ही रहे हैं। घर के पीछे तरफ जो खाते हैं तो पता ही नहीं चलता है, और इन लोग मस्त आराम से खाते रहते हैं। तो अभी जाता हूँ तालाब, थोड़ा हाथ पर धो लेता हूँ, ठीक है। मस्त सीढ़ी बना दिए हैं चढ़ने के लिए बांध के ऊपर, और यहाँ पे अक्सर मैं आता हूँ शाम के टाइम, ठीक है। और देख ही सकते हैं इतना ज़्यादा पानी गिरा है ना कुछ दिन में, तो काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। तो मैं जाता हूँ नीचे, थोड़ा सा हाथ पर धो के आता हूँ, मेरा पैर ना पूरा गंदा हो गया। और ये जो चप्पल जो दिखा ना, मम्मी का चप्पल है, मम्मी का चप्पल पहन के ही मैं आ गया। दोस्तों अभी जाता हूँ घर, क्योंकि यहाँ पे नीचे जाके ना हाथ पर धोना सेफ नहीं है, क्योंकि पूरा ना कीचड़ हो गया है। धो के भी कोई मतलब नहीं, घर जाते तक फिर पूरा कीचड़ हो ही जाएगा, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि घर जाता हूँ। और दोस्तों मैं कहीं पर जाने वाला हूँ, ठीक है, तैयारी भी करना है, तो वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। कहाँ जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा, मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो गया है, आवाज़ आप लोग को सुनाई दिया होगा, तो चलता हूँ सीधा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय।